the name of the chapter is a house is not a home and this ye jo hum bolte hai na house is not a home this is actually a phrase also hum ghar mein matlab hindi mein bhi bolte hain ki चार दीवारियां दीवारें दीवारें खड़े करने से जो है हम घर नहीं बनाते हैं. You cannot make a home when you are having the walls. वॉल्स वो हाउस है वेन यू आर बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर आपने एक स्ट्रक्चर बनाया चाहे वो चार मतलब उसमें चार बेडरूम्स हो चाहे दस बेडरूम्स हो दट इज ओनली अ स्ट्रक्चर दट इज ओनली अस एंड इट बिकम्स होम वेन पीपल लिव देअर पीपल रिस्पेक्ट इच अदर पीपल शेयर कॉर्डियल रिलेशन विद ईच अदर

लेकिन घर उसे बनाते हैं उसमें रहने वाले लोग और जितने प्यार से हम रहते हैं वो मकान हमारे लिए उतना ही यू माइट हैव सीन द ओल्डर पीपल जो हैं जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं दे नेवर वांट टू कम आउट ऑफ ऑल दोज एरियाज उनका घर कितना पुराना क्यों ना हो कितना भी कैसा भी क्यों ना हो दे वुड स्टिक की नहीं हम तो यहाँ रहेंगे क्यों क्योंकि दे मस्ट हैव एक्सपीरियंस द

इससे हम लोगों के लिए तो पाकिस्तान हम कहते हैं हम कहते हैं हो पाकिस्तान हमारा दुश्मन हमारे तो दिमाग में पाकिस्तान का मतलब वही होता है कि जिसको पत्थर उठा के मारना चाहिए बट दे यूज्ड टू टेल कि वहां हाउ दे एंजॉयड देयर डेज दे वर नॉट लिविंग अलोन जैसे हम हम आजकल कैसा हमारी फैमिलीज कैसी हैं वी आर लिविंग अ न्यूक्लियर फैमिली बट दे यूज्ड टू लिव विद लॉट्स ऑफ पीपल जॉय so हमारे लिए शायद हम उस जगह को अब देखेंगे ना हम कहेंगे हा आप यहाँ पे रहते थे बट फॉर देम दैट वॉज हेवन आई स्टिल रिमेम्बर माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस मेरी जहाँ नाना नाना नानी रहते थे बहुत बड़ा नहीं था कहने के लिए उस जमाने में वो बहुत बड़ा था बट ऐसा नहीं था मॉडर्न नहीं था इट वॉज ऑल मेड ऑफ यू नो पत्थर से बना हुआ था एक बीच में एक बड़ा सा मतलब आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं वो खुला होता था क्योंकि उसको हम ड्राइंग रूम बोल नहीं सकते वो खुला होता था उसमें बड़े बड़े ऐसे पिलर से लगे होते थे थे और और दो तरफ दो तरफ रूम थे बस और एक बड़ा सा किचन था इतना बड़ा किचन कि उसके अंदर हम कोई भी बैठ सकता था वो अलग बात है कि किचन के अंदर हम बैठते नहीं थे और बाहर जितना बड़ा हमारा वो ड्रॉइंग रूम टाइप था उतना ही बड़ा इस तरफ एक बरामदा सा था जिसके अंदर हम बर्तन धोना पान मतलब कि वो करना वहां पे एक छोटा सा कुआं वो था और एक छोटे मतलब कि एक छोटा सा बाथरूम और बाहर टॉयलेट होता था बहुत बड़ा नहीं था बट नाना नानी तीन मामा और हम सब वहाँ मजे करते थे आई कैन काउंट अप ऑन माई फिंगर्स की एक एक दिन हमने क्या मजे किए बट आजकल हमारे पास बड़े बड़े घर होते तो द चैप्टर यहां पर इज नॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स इट्स अबाउट अ बॉय इट इज अबाउट अ बॉय अदरलेस बॉयर नहीं है क्या होता है नॉर्मली मतलब की उसके साथ में सबसे बड़ी ट्रेजिडी क्या हुई दट ही और आपको पता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं जो नाइन मतलब आपके एज के बच्चे जो होते हैं उनको अपने फ्रेंड से कितना प्यार होता है दे आर यू नो अटैच टू देअर फ्रेंड्स उनके लिए दैट्स नॉट अ स्कूल दैट इज अ मेमोरी। और अपने फ्रेंड्स को छोड़कर जाना दैट वाज रियली सैड तो ही यूज टू मिस टीचर्स उसको ऐसा लगता था कि जो उसका प्रेजेंट स्कूल है इट्स नॉट दैट मच गुड क्योंकि ये बात जो स्कूल था मतलब जो उसका पुराना स्कूल था उसे बहुत बड़ा था डबल साइज में था सो so इसको हमेशा ऐसा लगता था कि ये जो स्कूल है यहाँ पर वो लोनली है क्योंकि वहां के बाद सब बच्चे अलग अलग स्कूल्स में चले गए थे जो टीचर्स जो पुराने टीचर्स थे उनसे मिलने जाता था और पुराने टीचर्स हमेशा यही बोलते रहते थे कि एक टाइम के बाद यू विल एडजस्ट लेकिन इसको लगता था कि ही कैन नेवर एडजस्ट क्योंकि इसे लगता था कि जो पुराने स्कूल में जो प्यार इसको जो मतलब कि अपनापन मिला था दैट ही कैन नॉट गेट इन द न्यू स्कूल ही ऑलवेज यूज्ड टू फील लाइक अ स्ट्रेंजर और इसीलिए ही वाज अ इतने बड़े स्कूल के अंदर भी ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड एक दिन क्या हुआ इट वॉज संडे ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क तो इसने ध्यान नहीं किया इसके साथ में इसकी एक पेट बिल्ली थी He like, he hadn't bought it. He had actually got it some from somewhere. और ठंड थी तो फायर प्लेस में फायर लगा रखा था तभी इसने देखा कि जो छत है वहां से स्मोक आ रहा एंड बिफोर ही कुड डू एनी थिंग द फायर अब अभी पड़ोसी के घर गया फायर डिपार्टमेंट को बुलाने के लिए इसकी जो मदर थी और वो थे दोनों जो है फायर में बच गए थे। But suddenly, जब ये लोग बाहर खड़े थे और फायर डिपार्टमेंट बंद करने मतलब आग बुझाने की कोशिश कर रहा था तो इस मदर रैन अवे बिकॉजेंट डॉक्यूमेंट्स एंड वन ऑफ द डॉक्यूमेंट वॉज द लेटर्स एंड पिक्चर्स ऑफ हर हजबेंड इसने देखा कि इसकी मम्मी अंदर है तो उसकी तो हालत खराब हो गई बट मदर फायरमैन सेफली लेकर आ गए इवन ऑक्सीजन प्रॉब्लम अब पांच घंटे लगे उस फायर को बुझाने में इट द हाउस वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड पूरा घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था और इसको ऐसा लगा कि ही हैज लॉस्ट एवरीथिंग बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उसको पांच घंटे बाद याद है वो था इसका कैट दे वेंट बट दे कुडेंट फाइंड द कैट एनी ना ही कैट मिला ना ही उसकी बॉडी वॉडी कुछ नहीं मिली उस दिन तो ये लोग अपने दादी मतलब कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए इसके बाद तो ही वेंट इनटू डिप्रेशन एक तो नया स्कूल कोई फ्रेंड नहीं ऊपर से उसका एक ही दोस्त था दैट इज हिज कैट एंड इट वाज आल्सो नॉट फाउंड ही विशड ही कुड डाई नेक्स्ट डे ही हैड टू गो टू स्कूल बट उसके पास ना तो ड्रेस थी ना शूज थे ना बुक था ना होमवर्क था उसको तो ऐसा लग रहा था कि भाई जब वो क्लास में जाएगा तो सब उसका उसको देखकर मजाक उड़ाएंगे बट उसकी जो मदर थी शी सेड दैट शी शुड गो टू ही शुड गो टू द स्कूल नाउ ऑन दू द स्कूल उसने अपने पुराने घर को देखा एवरी चार सब कुछ चलकर राख हो चुका था वही जो उसकी मदर लेकर आ गई थी वही चीजें बच गई थी मोर ओवर हिस्साट वॉज नॉट देने कहा कि दे ट्राई टू फाइंड अला घर दोबारा बन जाएगा बट टिले समेर अभी बार बार वहाँ जाता था वहां पे उनके घर को साफ करके बनाने की कोशिश कर रहे थे ही वुड गो देर ही वुड सी अबाउट द कैट एंड उसको याद आता था कि उसके कैट उसको कैसे तंग करती थी हाउ ही यूज टू प्ले हाउ इट वुड कम इन टू पॉकेट विद इन समाइम द क्लास और स्कूल में सबको पता लग गया दैट ही हैड फेस दिस है अब सब लोग उसके पास आए और आकर उसको जिम के पास लेकर गए उसको तो, तो बड़ा अजीब लग रहा था उसको तो समझ नहीं आ रहा था कि ही, ही, मतलब मतलब उन्होंने सारे नोटबुक क्लोथ जीन्स टॉप स्वेट ही सामान नहीं रखा लाइक क्रिसमस प्रेजेंट

अब थोड़ा थोड़ा करके उनका घर भी बन रहा था इट वॉज रीबिल्ड उसके दो फ्रेंड्स बन चुके थे तो दे यूज टू कम विद अब उसके लिए ये लगा कि जो फायर था जो फायर था विच हैड एक्चुअली डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयडर होम वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ अफुल वर्ल्ड बिकॉज ही कुड गेट द फ्रेंड्स ही कुड गेट पॉजिटिविटी उसे अब लग रहा था कि लाइफ इज बिकमिंग उसके जो टीचर्स कहते थे ना कि सून यू विल बी एडजस्टिंग तो उसको अब समझ आ रहा था अब तभी एक दिन वो लोग अपने घर के पास खड़े थे एंड सडनली समवन केम एंड दे टोल्ड दैट इज दिस कैट योर्स तो उसने देखा उन्होंने कहा कि जो कैट है शायद उस दिन जब आग लगी थी मे बी इट रैन अवे शायद वो रन अवे एंड इन लोगों ने जो है जो

स्टोरी इज ऑल्सो अबाउट हाउ टीनेजर्स फेस द प्रेशर छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाना छोटी छोटी बातों से खुश हो जाना teenage. हमारे दोस्त नहीं है अब आप मुझे से इंसान से पूछोगे ट्वेल्थ से बेटर आई एम बेटर ऑफ इट्स ओके

एलेवेंथ और ट्वेल्थ में उसमें जाते हैं या एट्थ के बाद नाइन्थ और टेंथ में जाते हैं दट आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल दिनियॉरिटी मतलब उस स्कूल में तो इन ये सबसे बड़े थे मान लो आप किसी स्कूल में पढ़ते हो वो स्कूल सिर्फ टेंथ तक है तो टेंथ क्लास सबसे बड़ी मानी जाएगी बट जो स्कूल में ट्वेल्थ तक होगा वहाँ ट्वेल्थ सबसे बड़ी मानी जाएगी

बट इसका अपना कोई फ्रेंड यहाँ पर नहीं था द स्कूल इन विच ही गॉट द एडमिशन डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड फ्रॉम द ओल्ड स्कूल आई मिस माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैन दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल दे टोल्ड मी दिन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड ऑफ लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड स्कूल टीचर्स तो उसको यही बोलते थे आने वाले टाइम में तुम एडजस्ट कर लो इनफैक्ट ज्यादा पसंद करोगी दे मेड मी प्रॉमिसन दैट दैट आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब टीचर्स बोलते थे उनको कि बेटा एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने पुराने स्कूल को भूल जाओगे लेकिन तब भी तुम हमसे मिलने जरूर आना आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वॉट दे वर बट आई टुक सम इन मतलब उनको समझ आ रहा था कि टीचर्स उसको मिस करेंगे लेकिन उसे लगा मैं तो ऐसा कभी नहीं करूँगा मुझे नया स्कूल तो कभी पसंद आएगा ही नहीं दिस वाज हिज परसेप्शन वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल आई वाज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क इट वाज कोल्ड एंड विंडी फॉल डे एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायरप्लेस बहुत ठंड थी तो अंदर जैसे वो आग लगा के जो फायर प्लेस होता है उसमें गर्म कर रहे थे एज यूजल माई रेड was लाइंग ऑन द टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स परिंग लाउडली परिंग मतलब उसकी आवाज एंड occasionally स्वैटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सेक उसके उस पर झपट्टा मारना शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी आई हैड रेस्क्यूड हर when शी वॉज अ किटन वो उसने खरीदा नहीं था इट वॉज उसने बचाया था एंड सम हाउ she knew that I was the one responsible for giving her the good life. यहाँ जो the good life लिखा है ना, it is written in inverted comma. This is because अब वो एक comfortable life जी रही थी. Maybe if he had, she had not been rescued, हो सकता है कि उसकी life इतनी अच्छी ना हो. My mother kept stoking the fire. मतलब कि आग को हिलाते रहना.

अपना रास्ता बनाते हुए बहुत धुआं था तो उसके बीच में से निकलते हुए फ्रंट यार्ड की तरफ गए से झुलस चुका था एंड इट वॉज स्प्रेडिंग आई रन टू दू कॉल दायर डिपार्टमेंट वाल आई वॉच माई मदर रन बैक इन टू द हाउस मम्मी घर के अंदर भागी माई मदर देन

उन लेटर्स को लेने जा रही क्योंकि वो उनकी यादें थी दी चेरिस्टर आइसक्रीम डेट हर मॉम नो मच जॉब आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर लार्ज हैंड होल्ड मी बैंक आई हैड एंड इवन नोटिस दीट ऑलरेडी फिल्ड विद्रक्स

And that if he were to let go I would run he was right it's all right they, they will get her he wrapped a blanket around me sat down sat me down in our car soon after that a fireman emerged from our house with my mom in tow he quickly took her over to the truck and put an oxygen mask I ran over and hugged her ऑल दोज टाइम्स आई इवन आर्ग्यूड एंड हेटेड हर वैनिश एट द थॉट ऑफ लोसिंग हर वो सिर्फ यहाँ पर हेटेड जो है इट इज नॉट दैट हेटरेड यहाँ पे उसे गुस्सा आ रहा था ही वॉज एंग्विस्ड मम्मा को कुछ हो जाता तो वो क्या करता उसे तो पापा भी नहीं है She is going to be okay. She just inhaled a little smoke. Asphyxia हो गया था उनको. Asphyxia मतलब lack of oxygen. And then he ran back to fight the fire while my mother and I still sat there dazed. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. Five hours later, the fire was finally out. The house was almost completely burned. I hadn't seen my cat. Where was my cat? Much to my horror I realized she was nowhere to find.

आउटकास्ट एंड गीक मतलब अ पर्सन इज नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी एक मजाक बन के रहूंगा मैं पूरी जिंदगी जिंदगी आई डोंट आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ जॉम्बी जोम्बी पता होगा ना आपको द वन हुरस इसके वो

but my cat was gone and my heart ached for her there was no time to grieve my mother rushed me out of the house we we would have to find a place to live and i would have to go buy some clothes for school we had to borrow money from grandparents because there were no credit card cash kuch nahi tha और बैंक से पैसा भी निकालना हो तो कोई आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए कुछ नहीं था उनके पास

ओ ये बेचारा इसका घर जल गया मुझे ऐसा टेंशन नहीं चाहिए था द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल आई वाज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माय लॉकर पीपल वर मिलिंग अराउंड मी मतलब उसके आगे पीछे घूम रहे थे आस्किंग मी टू अप आई थॉट इट स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स मतलब सब कुछ अजीब सा ही तो हो रहा था उसके साथ

I finally breathed a sigh of relief, and thought for the time that things were going to be okay. I made friends that day. A month later, अब उनका घर भी बन रहा था, थोड़ा बहुत स्कूल के अंदर उसकी फ्रेंड्स बन गए थे। I was at my house watching them rebuild them मतलब the masons. By this time it was different. I wasn't alone. अब उसके जो मकान बन रहा था वो अकेला नहीं था उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी थे जो उसके अंदर नेगेटिविज्म भरा, भरा हुआ था उस आग ने उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर दिया एंड ओपन अप ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी

Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. उसको ये समझ आ रहा था कि ये कैट बिचारी किसी से अलग हुई है और कोई इसको ढूंढ रहा होगा As I sat there, my friends and my cat curled up in my lap. All the overwhelming feeling of loss and tragedy seemed to diminish. वो जो पहले उसके अंदर दिमाग में था कि सब कुछ चला गया मेरे दोस्त चले गए मेरा पुराना स्कूल चला गया मेरी टीचर चली गई वो सब कुछ उसका खत्म आई फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर माई लाइफ थैंकफुलनेस माई न्यू फ्रेंड्स द काइंडनेस ऑफ दैट स्ट्रेंजर एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलबड कैट माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई ये पेपर में आता है ये वाला वाला जो जो लास्ट लाइन है, My cat was back and so was I, का मतलब क्या होता? है? Means, जैसे उसका कैट उसके पास वापस आया था, उसकी जो अपने emotions थे, वो जो जो उसने अपने दिमाग में जो कड़वापन रखा हुआ था दैट लाइफ हैज बीन वेरी हिम उसके लिए लाइफ जो है बहुत ही ज्यादा मतलब तो कि लाइफ डिड नॉट गिव हिम एनी चांस उसका सब कुछ छीन लिया वो जो चीजें थी दैट ही वॉज एबल टू ओवरकम इवन दो देर हाउस वॉज बर्ट बट विद दैट बर्निंग ही ऑल्सो गॉट अ न्यू लेसन That is a house is not a home. And uh, the name of the writer is Zan because in the questions, even though in the entire in the entire uh, chapter you haven't find that name, but in the question paper the name comes Ki. Why was Zan Johe tha These kinds of questions come.